हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग हैं भौतिकी भाग एक कक्षा 11 एनसीईआरटी अध्याय एक भौतिक जगत के प्रश्न 1.2 पर। अगर आप इसके पहले के और इनके आगे के चैप्टर्स के अगर आप प्रश्न न्यूमेरिकल्स अगर देखना चाहें तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा आगे के भी न्यूमेरिकल, तो वहां से आप आगे के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है, प्रत्येक महान भौतिक सिद्धांत अप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। तो ये लाइन हमारी लिखी हुई है, प्रत्येक महान सिद्धांत अप सिद्धांत से आरंभ होकर, ये अप सिद्धांत से आरंभ होकर धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त होता है। इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो वर्ड आए हैं उनकी उनको हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड है अप सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है विरोधाभास। तत्कालीन समय में जब भी हम बात कर रहे हों, उस समय जो भी प्रचलित सिद्धांत हों उनसे, उनके विरुद्ध जब कोई सिद्धांत जो है की बात करता है तो उसको हम अप सिद्धांत कहते हैं। और आरंभ तो वहां से होता है, विरोध से, और फिर क्या होता है, धर्म सिद्धांत के रूप में। यानी यहां से शुरुआत तो होती है विरोध से, और फिर वो क्या बन जाता है, वो एक नियम बन जाता है। धर्म सिद्धांत का मतलब वो महान एक नियम बन जाता है। तो देखिए, यह विरोधाभास से, और फिर यहां पर क्या है, विश्वास। विरोधाभास से जब विश्वास हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिद्धांत बन जाता है। तो अब ये जो अंतर है जमीन आसमान का, विरोधाभास से विश्वास, तो इस तीक्ष्ण टिप्पणी में हम लोगों को विज्ञान के इतिहास से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं इसके उत्तर में कि हमें विश्वास हो जाए, या फिर जो है ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये सत्य है कि विरोधाभास से किसी चीज की शुरुआत होती है और फिर आगे चल के वो एक महान सिद्धांत बन जाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों की बात हम कर लेते हैं अपने उत्तर में। देखिए, यहां पर इसका जो उत्तर है वो थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं विस्तार से लिखूंगा तो ये पूरा जो है वर्ड भर जाएगा, और लिखने में जानते हैं ज्यादा लिखना पड़ता है अगर समझा करके लिखना है तो। तो यहां पर मैं आपको उसका हेडिंग बता करके उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने कर दूंगा, और आप उसको अपने हिसाब से काट छाट करके आप चाहो तो उसको आंसर लिख सकते हो। तो चलिए, मैं यहां पर सबके हेडिंग को लिख दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको 5 ऐसे इतिहास के बारे में मैं बता दे रहा हूं, और आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये 5 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं और जिसको हम लोगों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए, परमाणु संरचना का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि डाल्टन का परमाणुवाद जब आया, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कि प्रत्येक पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो डाल्टन का परमाणुवाद में उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक ब्रह्मांड का कोई भी पिंड है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी परमाणु मूल कण है। और बाद में अब जो प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, रेडियो एक्टिवता, और जो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन था उससे जो बातें निकल करके सामने आई, अब हम सभी जानते हैं कि कोई भी पिंड है तो वो परमाणुओं से तो बना होता है, लेकिन परमाणु भी विभाज्य है, और परमाणु भी 3 मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ विरोध यानी अप सिद्धांत से शुरुआत हुई और आज एक एक धर्म सिद्धांत यानी कि एक जो है नियम बन गया है जो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, ग्रहों की गति का इतिहास।
तो ग्रहों की गति के संबंध में प्लूटो ने जो नियम दिया भू केंद्रीय सिद्धांत, और उसमें उन्होंने बताया कि जो भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो पृथ्वी के ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी धरती ही सब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और इसके चारों ओर सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में इतावली वैज्ञानिक जो आए गैलीलियो, और उनके बाद जो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नहीं, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और बाद में कैपलर और अन्य जो वैज्ञानिक आए उन्होंने भी इसका समर्थन किया और आज हम लोग ये जानते हैं। तो उस समय जब भू केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित था तो वहां पे किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी ही सबका केंद्र है, और बाद में जो है आज हम सब जानते हैं कि सूरज के चारों ओर जो है सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से यह भी अब सिद्धांत से शुरू हुआ और एक धर्म सिद्धांत के रूप में समाप्त हुआ। आगे पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के आकार के बारे में पुरानी जो धारणा थी कि पृथ्वी सपाट है, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे छत है और जमीन है और ये सपाट है, तो वैसे ही पुरानी जो संकल्पना थी कि धरती भी इसी तरह से सपाट है, यानी प्लेन है ऊपर और नीचे जो है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में बहुत सारे ऐसे प्रमाण, ऐसे तथ्य, ऐसे जो है विश्लेषण हुए जिनसे इस तथ्य का पता लग सका कि पृथ्वी गोल है। अब सिद्धांत से धर्म सिद्धांत, आगे प्रकाश की प्रकृति का इतिहास। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, जिसके दो प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव। तो इस तरह से यहां पर भी देखिए कण प्रकृति जो कि पहले सिद्धांत था वहां से विरोध हुआ और इसके बाद आज तरंग प्रकृति को हम सब मानते हैं। आगे है सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत क्या है ये भी देखिए, आज इस पर रिसर्च जारी है और इसने पूरी फिजिक्स को झकझोर कर रख दिया है ये सापेक्षता का सिद्धांत। इसमें सापेक्षता में क्या है, सापेक्षता में देखिए जो न्यूटन थे जो जिन्होंने की फिजिक्स पर 400 वर्षों तक राज किया, आज से 1900 से पहले 1905 में आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया था, उससे पहले 300 साल तक, लगभग 350 साल तक न्यूटन को ही सब मानते थे। तो इन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि भौतिक राशियां और भौतिकी के नियम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी निर्देश तंत्र में एक समान व्यवहार करेंगे, यानी कि जो भौतिक राशियां हैं वो अपरिवर्तनीय है। यहां पे जो घटनाएं हम जैसे जिस नियम के तहत हो रही हैं ब्रह्मांड में हर जगह वो इसी नियम के तहत होंगी, जबकि आइंस्टीन का जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है उसके हिसाब से ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये भौतिक राशियां बदल भी सकती हैं और भौतिकी के नियम अलग अलग निर्देश तंत्र में, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए भौतिक राशि समय है, तो समय भौतिक राशि है तो वो हमारे लिए कुछ एक ही टाइम पे कुछ और समय हो सकता है और आपके लिए समय चेंज भी हो सकता है। तो इसमें बहुत डिटेल है, आप अगर जाएंगे स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का व्यापक सिद्धांत और सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, जब इसको आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको विस्तार से इसके बारे में समझ में आएगा। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अब आप इनमें से कुछ पॉइंट को लेकर यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कोई भी भौतिक सिद्धांत अब सिद्धांत, यानी किसी सिद्धांत के विरोध से शुरू होता है और फिर बाद में एक महान नियम के रूप में स्थापित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई मन में कमेंट हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।